लिटल लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एट योर प्लेस. वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टुडेज इंग्लिश क्लास. माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट दैट इज सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर प्लूरल, आप पूछेंगे कि क्या होता है सिंगुलर प्लूरल? बहुत सिंपल है, आपने स्कूल में वन मैंने किया था ना, जब एक चीज होती थी उसके लिए आप लिखते थे वन. वन थिंग के लिए आप क्या लिखते थे? वन. और अगर ज्यादा चीजें होती थी तो आप क्या लिखते थे? मोर थिंग्स के लिए आप क्या लिखते थे? मैनी. वन मैंने किया था, बिल्कुल उसी तरह से है ये कॉन्सेप्ट. जो वन थिंग, वन पर्सन, वन एनिमल के लिए हम क्या यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर. और प्लूरल, मोर थिंग्स, मोर एनिमल्स, मोर पर्सन्स, तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल फॉर्म हो जाती है. बिल्कुल वन मैनी की तरह इसमें क्या है, जैसे एक अनेक होता है ना, देखिए एक अनेक होता है, जैसे लड़का लड़कियां, बच्चा बच्चे, किताब किताबें, बिल्कुल उसी तरह से इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर प्लूरल, एक वचन बहुवचन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. देखिए मैम के हाथ में एक पेंसिल है, वन पेंसिल है ना, तो ये क्या है? दिस इज अ पेंसिल, वन पेंसिल है. और अगर इधर मैम के हाथ में थ्री पेंसिल्स हैं तो ये क्या है? मैनी है ना, तो ये क्या है? पेंसिल्स. ये क्या है? पेंसिल. वन थिंग के लिए हम वन थिंग के लिए क्या बोल रहे हैं? पेंसिल. और जब मैनी थिंग्स है, मोर थिंग्स है, तो हम क्या बोल रहे हैं? पेंसिल्स. ज्यादा है ना, तो हमने क्या लगाया पीछे? एस. एस की आवाज आ रही है ना पीछे, पेंसिल, पेंसिल्स. दिस इज अ पेंसिल, दीज आर पेंसिल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. देखिए इधर मैम के हाथ में वन इरेजर है, तो ये क्या है? इरेजर. और अगर इधर मैम के हाथ में देखिए ज्यादा है ना, मैनी है ना, तो ये क्या है? इरेजर्स. ज्यादा चीजों के लिए हम क्या लगा देते हैं? एस. वी आर पुटिंग एस इन प्लूरल फॉर्म. देखिए हम इनके लिए क्या बोल रहे हैं, ज्यादा के लिए, मैनी के लिए? इरेजर्स. दीज आर इरेजर्स. जस्ट लाइक दैट. देखिए इसी तरह से वन शार्पनर के लिए वन, और मैनी के लिए क्या लिखेंगे हम? शार्पनर्स. देखिए दूसरे हैंड में मैम के ज्यादा शार्पनर्स है ना, तो इसके लिए हम लिखेंगे शार्पनर्स, और वन के लिए शार्पनर. मैम ने कुछ लिखे हुए हैं सिंगुलर, यहाँ पे इनको हम प्लूरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसी तरह से आपको आपकी नोटबुक पे करना है. अब देखिए आपको नोटबुक पे इसे कैसे करना है, सिंगुलर प्लूरल. देखिए वन साइड में हमने सारे सिंगुलर लिखे हुए हैं, अब देखिए इसको प्लूरल फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे. गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स. वी आर पुटिंग एस इन द एंड. हम क्या लगा देंगे? एस लगा देंगे जी. सेम स्पेलिंग हमने लिखनी है, जी आई आर एल, और लास्ट पे हम क्या लगा रहे हैं देखिए? एस. गर्ल्स. तो ये गर्ल की क्या है? प्लूरल फॉर्म है. गर्ल का क्या हो जाएगा? गर्ल्स. बोलना भी है साथ साथ. बॉय का देखिए, बॉय मींस लड़का, प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगी? बॉयज. BOYS. देखिए सेम स्पेलिंग है, और पीछे क्या लगा रहे हैं हम? S. लड़का लड़के. ज्यादा के लिए हम क्या लगा देते हैं पीछे? S. मैनी थिंग्स के लिए हम क्या लगाते हैं? S. काइट पतंग, काइट्स पतंगे, काइट्स क्या लगा देंगे पीछे? S. कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, देखिए सेम स्पेलिंग लिख रहे हैं और पीछे मैम क्या लगा रहे हैं? एस. आपको भी ऐसे पीछे क्या लगा देना? एस. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है.
बहुत इजीली आपको आ जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बुक का क्या हो जाएगा, किताब का, किताबे, बुक्स, बुक का, बुक्स, किताब का, किताबें, बुक का, बुक्स, डे, डेज, दिन, दिनों, DAYS, डेज। कैट का क्या हो जाएगा, बिल्ली, बिल्लियां, कैट्स, कैट का, कैट्स। इजी है ना, देखिए क्या कर रहे हैं, बस एसएस लगा रहे हैं पीछे, बहुत जल्दी आ जाएंगे। ऐसे ही पीछे हम क्या लगा देंगे, एस, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, डॉग, डॉग्स, DOGS, डॉग्स। पेन का, पेंस, पेन का, पेंस, PENS, पेंस। वो नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, GUN, गन। गन का क्या हो जाएगा, गन्स, GUNS, गन्स। और इन दी एंड देखिए लास्ट पे क्या है, हट। हट का क्या हो जाएगा, हट्स, झोपड़ी, झोपड़ियां, बंदूक, बंदूकें, HUTS, हट्स, HUTS, हट्स। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक वंस अगेन, कौन कौन से सिंगुलर फॉर्म हमने प्लूरल फॉर्म में चेंज किए। गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, काइट, काइट्स, बुक, बुक्स, एंड यू ऑल रिपीट आफ्टर मी। अगर आप बोलेंगे तभी सीखेंगे, सो प्लीज स्पीक आफ्टर मी, ओके। और आप सब तो गुड बेबीज हैं, जरूर बात मानते हैं मैम की, और माननी भी है हमेशा। डे, डेज, कैट, कैट्स, डॉग, डॉग्स, पेन, पेंस, गन, गन्स, हट, हट्स। तो आज आपने इंग्लिश की नोटबुक पे इसी तरह से सिंगुलर प्लूरल करने हैं, और मैम को पिक्चर्स जरूर सेंड करनी है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ डू योर होमवर्क इन अ वेरी ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग एंड सेंड मी ऑल्सो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।